गिरकर वहां काम कर रहे कर्मचारी की हुई मौत। अवैध किरासन तक के गोदाम में किसी अज्ञात कारण से लगी आग में जलकर वहां काम करने वाले कर्मचारी रंजित बैरागी की मौत हो गई। नदिया के नकासीपाड़ा थाना अंतर्गत जुगनीतला के बाशिंदा अमर सरकार के गोदाम में रविवार दोपहर आग लग गई, जिसकी खबर पाकर दमकल की दो इंजने वहां पहुंची। दमकल कर्मियों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। फिर गोदाम के भीतर से रंजित का जला हुआ शव मिला। उसके भाई सुब्रत बैरागी का आरोप है कि अमर किरासन से डीजल बनाने का काम करता था। ভাই এখানে তেলের গোডাউনে থাকতো, তেলের কাজ করতো, কেরোসিনকে ডিজেল বানাতো। এখানে ভাই 24 ঘন্টা কাজ করতো, পুরো আগুন করে শেষ করে দিয়েছে আমার ভাইকে। আমার অভিযোগ, ইনারা আমার ভাইকে পুরো চক্রান্ত করে মেরে দিচ্ছে, 2 নম্বরে কাজ করে। फायर ऑफिसर हरलाल दास ने बताया कि आग लगने की कारण का पता नहीं चल सका है। दमकल विभाग घटना की जांच करेगी। वहीं नकासीपाड़ा थाना के पुलिस अधिकारी ने बताया कि आग बुझने के बाद गोदाम के भीतर से अग्निदग्ध शव मिला है, जिसकी शिनाख्त आतपाड़ा के निवासी रंजित बैरागी के रूप में हुआ है। टेलीफोन एक खबर पाई जुगनीतलाते एक अग्निसंग्रह हो तात्क्षणिक भाव संगे संगे फायर ब्रिगेड के जाना और फायर ब्रिगेड और पुलिस जौथभव से आगुन के कंट्रोल करते सक्षम हो तर मध्य देखा जा सार्चिंग फायर ब्रिगेड और पुलिस जौथ सार्चिंगे देखा गल एक बडी एक आता पुरे मारा गए जार आईडेंटिफिकेशन एन आपात पे रंजित বৈরাগ্য বলে নাম, তার বাড়ি আরপাড়া, সেখানে কর্মরত ছিল।